नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीताफल के पेड़ के बारे में बताऊंगी। इसके कई शकुन कई अपशकुन होते हैं। सीताफल का पेड़ इसका नाम कैसे पड़ा? जब श्री राम वन को गए थे तो सीता जी को ये फल बहुत ही अच्छे लगते थे, इसलिए श्री राम ने इसका नाम सीताफल रख दिया और तभी से सीताफल के नाम से जाना जाने लगा और तभी से इसको लक्ष्मी जी का रूप कहते हैं। सीताफल के बारे में बताते हैं कि जिस आंगन में ये लगा होता है वो घर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है, और यदि आंगन के दोनों तरफ ये सीताफल का पेड़ हो जिस तरह इस आंगन में लग रहा है तो लक्ष्मी जी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। देखो मित्रों, इस घर में दोनों तरफ सीताफल का पेड़ लगा हुआ है और इस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। और यदि सीताफल के पेड़ के नीचे सुदर्शन का पेड़ हो जिस तरह इस घर में लग रहा है, देखो मित्रों जिस तरह इस घर में लग रहा है, ये सीताफल का पेड़ है और इसके नीचे जस्ट नीचे सुदर्शन का पेड़ लग रहा है और ये ऊपर सीताफल का पेड़ है। इस तरह अगर लगा हो तो उस घर में जितने भी जोड़े हों वो स्थायी रूप से रहते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उस घर में समृद्धि रहती है। और जिस घर में सीताफल का पेड़ हो उस घर में श्री लक्ष्मी जी हमेशा स्थायी रूप से निवास करती हैं। और यदि सीताफल के पेड़ में गंदगी या कूड़ा करकट आप डालेंगे तो वो बहुत अपशकुन होता है, उसको लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ के चली जाती हैं। और जिस घर में सीताफल के पेड़ और फल लटक रहे हों वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई धन की कमी हो तो आप सीताफल का पेड़ ज़रूर लगाएं। सीताफल का पेड़ बहुत ही शुभ लाभकारी है। और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार।